आज बनाएंगे हम आलू परवल के झोल, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। आलू परवल के झोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू परवल को फ्राई करना होगा। पहले हम आलू परवल को फ्राई कर लेंगे सरसों के तेल में। आलू फ्राई हो गया है, अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, फिर परवल को फ्राई करेंगे। अब परवल को फ्राई करेंगे। परवल फ्राई हो गया है, हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी तेल में हम थोड़ा सा ये मसाला ऐड करेंगे। तो हमारे तेल वाले मसाले 5 फोड़न कह रहे हैं, और ये जो हमने कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे। तो अच्छे से फ्राई करेंगे पहले, इसके साथ अदरक और लहसुन पेस्ट भी ऐड करेंगे, और हरी मिर्च, लाल मिर्च पेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा अदरक पेस्ट ऐड करेंगे हम। धनिया पाउडर, हरा और लाल मिर्च पेस्ट, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, तेज पत्ता करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मसाला से तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम आलू और परवल को ऐड करेंगे और अच्छे से हम मसाला के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे। नमक ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना। पानी ऐड करेंगे, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। हमारा जो परवल का झोल है, आलू परवल का, वो बन गया है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सिंपल तरीके से बनाते हैं इसको, और हेल्दी भी होता है।